हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिकम टैक्स। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग को पता ही होगा कि टोयोटा फॉर्च्यूनर एक सक्सेसफुल और पॉपुलर एसयूवी है हमारे कंट्री में। गाइस, आप सभी लोग को पता ही होगा कि लास्ट अपडेट टोयोटा फॉर्च्यूनर में 2021 में मिली थी, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को नहीं मिले थे, जैसे 360 डिग्री कैमरा, सनरूफ, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिली थी। लेकिन अब 2023 में फिर से लॉन्च होने जा रही है लेटेस्ट वर्जन टोयोटा फॉर्च्यूनर की, जिसको नेक्स्ट जनरेशन भी बोल सकते हैं आप लोग, जिसमें आपको इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में ही फुल चेंज देखने को मिलेंगे और आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे 360 डिग्री कैमरा हो गया, न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, मे बी आपको उसमें पैनारोमिक सनरूफ भी देखने को मिले। अगर प्राइस की बात करें गाइस, तो प्राइस में 1 से 1.5 लाख का अंतर देखने को मिलेगा न्यू वर्सेस ओल्ड में, बिकॉज गाइस अगर फीचर्स एक्सटेंड होगा तो प्राइस भी एक्सटेंड होगा, ये नॉर्मल सी बात है। अगर गाइस इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको काफ़ी सारे चेंजेस न्यू फॉर्च्यूनर 2023 में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगा और भी आपको लेदर स्ट्रेचिंग और अंदर कलर एंड ग्राफिक में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एक्सटीरियर फुल चेंज आपको अभी देखने को मिलेगा। गाइज, ये सब चीज़ मैं जितना बता रहा हूँ ये फुल्ली 100% कंफर्म नहीं है कि हाँ आपको ये मिले। गाइज, ये एक एक्सपेक्टेड फीचर्स और एक्सटीरियर इंटीरियर मैं आपको बता रहा हूँ जो चेंज हो सकते हैं 2023 में, बट टोयोटा फॉर्च्यूनर 2023 में जरूर नेक्स्ट जनरेशन में लॉन्च होगी और इसमें आपको ऐसे कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे इंटीरियर में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कलर्स की बात करें गाइज, तो इसमें कलर 1-2 एक्सटेंड हो सकता है। गाइज, बात करें इंजन कैपेसिटी की, तो 2800 cc का आपको इसमें इंजन मिल जाएगा, जो कि डीजल और पेट्रोल दोनों में ही देखने को मिल जाएगा, जो गाइस जनरेट करेगी 201 bhp 3400 rpm पे एंड 500 Nm 2800 rpm का टॉर्क आपको इसमें देखने को मिलेगा। गाइस, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।